अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अवर न्यू वीडियो। मिजाब भाई के साथ में हम लोग और भिवंडी के सम ऑफ द बिग गोट्स देखने वाले हैं। माशाल्लाह बोर में तो काम है ही भाई का, आप इनको बोर किंग भी बोल सकते हैं माशाल्लाह। मिजाब भाई बहुत अच्छी तैयारी भाई, क्या डिटेल पे बकरा भाई? ये बकरा 42 हाइट पे है जी और 80-85 केजी समथिंग आएगा वेट, 80 से 85 किलो। 80 से 85, एक यकीन से बोलता हूँ, ये बकरा अगर देवनार में पूछता ना बोलते थे 120 किलो का है। अरे बोलने वाले तो बोलते हैं लेकिन अपन क्या एकदम सही डिटेल पे देते हैं, अपन मानना पड़ेगा भाई। क्या तैयारी आई है और बकरे में चमक देखो आप। अरे माशाल्लाह चमक, कितने दांत पे मिजाब भाई? ये अभी 8वां दांत निकाला है, अभी पालने लायक है आपके हिसाब से? हाँ पाल सकते हैं ना, पालने वाले पाल सकते हैं इसको। नहीं जैसे कि आप बोलते हैं पैर मोटे होना चाहिए, वो तो सब ठीक है, वो सब चीज है इसमें, इसका फ्रेम, इसका फर्मा, इसकी हाइट 42 हाइट पे है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 42 की हाइट है दोस्तों। जो बड़े बकरे के शौकीन है, इसको 150 किलो पे लेके जाना चाहते तो मिजाब भाई से कांटेक्ट करो। मिजाब भाई क्या रेट मांग रहे इसका आप? इसका अपन 48,000 आसिंग कर रहे हैं। 48,000 में इतना बड़ा बकरा दे रहे दोस्तों, नॉर्मली लोग 70-80 हजार तो आंख बंद करके। देवनार में आज मैं गया था शाम में, तो ऐसे बकरों की 85,000-90,000 जैसा जो समझ में आया। तुम मेरा वीडियो देखे देवनार का? हाँ देखा हमने कल, बिलाल भाई हमने और सोहेल भाई ने। सोहेल भाई आप एक बार बताओ, इससे तो छोटा ही था ना बकरा? बहुत छोटा था भाई बकरा, इससे छोटा भी था, लोग कुछ भी पैसा मांग रहे थे, 1,20,000। ऐसे बकरा कितना मांगा था? सही बोला, 1,20 मांगा था, 1,20-1,10। तो ये तो आधे पैसे में आ रहा है दोस्तों। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ पर एक बात बता रहा हूँ है ना मिजाब भाई, इसकी हाइट देखो, मेरा सीने देखो कहाँ आ रहा है, बहुत उम्दा, थोड़ा इसको घुमाओ ना इधर। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना 42 प्लस भी हाइट आ सकती है। सही कहा आपने, छोड़ो इसको। हाँ अच्छे फर्मे का बकरा, तो इसका आप क्या डिमांड कर रहे हैं भाई? 48,000 इसमें निगोशिएट करेंगे फाइनल रेट में, एकदम स्लाइटली कर लेंगे अपन। सही है क्योंकि तो, बहुत ज्यादा रेट नहीं बोले अपन ने बकरे के हिसाब से, एकदम परफेक्ट रेट बोले हैं। सही है, और एक और बच्चा है नर बच्चा, वो भी दिखा देते हैं। वो भी एक अपने पास अंडू बकरा है बड़ा बहुत, उसको वही दिखाएंगे, यहाँ लाते हैं वही दिखाते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा यूट्यूबर भी है हाउस में, भूलो मत आप, भिवंडी वालों की शान और जान। ये आसिम भाई का ही यूट्यूब चैनल है। नहीं नहीं मेरे भाई की मेहनत है। वकी भाई दुआ करो और आप लोगों को बोलो कि भाई जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए मेरे भाई को। इतना ट्रेडिंग और इसके बावजूद भी माशाल्लाह इतना टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है, और जो चीज़ अभी देख रहे हैं इसको कहते हैं नायाब, और कुछ नहीं बोलते हैं, मिजाब का नायाब। मिजाब भाई मैंने सही बोलता हूँ, एक सही बात बोलता हूँ, मुझसे जब ये बकरा दिखाया आपने कि ये बेचना है, मेरे को यकीन नहीं हुआ। एक्चुअली वो क्या हो गया था मानो, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अभी देना है अपने को ये। सही मतलब आप ये बकरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं था? हाँ ये आप देना नहीं चाह रहे थे, पर्सनली प्रॉब्लम। सही है, बकरे में कुछ नहीं था, मतलब मेरा यही बात थी ना कि मैं अफसोस ये बात का कर रहा हूँ कि बिका की नहीं, तो आपने बोले बेचना नहीं था ये। हाँ ये टाइम पे ये बकरा, इसकी डिमांड, कल उमर भाई ढूंढ रहे थे ऐसा बकरा। उमर भाई किड्स गोट फार्म, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, नायाब चीज है, नायाब चीज बोले तो बहुत खतरनाक चीज है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरा पोस्टर लगा देगा दीवार पे। इतना एग्रेसिव है बहुत माशाल्लाह। एग्रेशन तो अपनी जगह है, इसका वजन, इसकी हाइट, इसकी लेंथ, इसका कलर, अभी भी इसके अंदर है ना आशिम भाई, बहुत जगह है बकरे में, अभी भी बहुत जगह है, मतलब एक साल आप बोलते हो पाल साल इसको अगर कोई भर देगा ना तो उतना बड़ा बकरा देखने। ये अभी सेल्फ फीडिंग पे, अभी भी सेल्फ फीडिंग पे, देखो सेल्फ फीडिंग है उसका बकरा माशाल्लाह। और ये भी 41 प्लस हाइट है, लाइट फोकस के साथ लॉन्चिंग करने वाला बकरा है। मैं एक बार उस्ताद को और हमारे लालू सेठ को बुलाना चाहूंगा है ना, क्योंकि ऐसे बकरे बहुत कम देखने मिलते हैं हमको। हमसे आइए आप लोग स्टेज पे आइए भाई, एक बेटा मिजाब बस ध्यान रखना मिजाब भाई कि आपने बोला पोस्टर बना, आपका पोस्टर नहीं बने। लालू से इसके डर डर के आगे बढ़े हैं आप आए तो भी, अगर निजाम रहता तो आता भी नहीं। बस ये हाथों पे मुझे भी पूरा भरोसा है, पकड़ लिया अभी वाकई में।
नजदीक से आके देखा तो आंखों पे लालू सेठ खुद है ना, बहुत लंबे चौड़े इंसान है माशाल्लाह, उनके सामने देखो बकरा कहाँ आ रहा है, लालू सेठ के सीने पे बकरा है। वाह, मैं तो लोगों को ये बोलूंगा कि ये साल कुर्बानी के लिए इसको रखो। लालू सेठ आप सही बोल रहे हैं, अगर पाल लिया ना जैसा मिजाब ने बोला, हाँ। ये तो इंडिया का इतिहास है बकरा। बिल्कुल बिल्कुल आसिम भाई, मेरे को ऐसा लगा मैं अकेला बोलो, आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो। बकरे की खुद बता रहा है बकरा, मैं काफी दिन बाद आके देखा। बाकी एक बात बोलूं, बकरा देख के आदमी निशब्द हो जावे। हाँ हाँ भाईजान, आप भी आओ भाई, देवरनी में बकरा पला हुआ है हमारे आंख के सामने का ना आसिम भाई, तो काफी दिन बाद देखो तो और एक अलग खुशी होती है आसिम भाई। सही है, एक काम करो जरा इसका सीना दिखाओ, सीना जो है ना बहुत ही लाजवाब है। ये बकरा खोल के भी दिखाएंगे हम लोग, शहबाज भाई इसको खोलेंगे। ये मिजाब भाई का नाम लूंगा तो बोलेंगे। रुको रुको पकड़ो, हाँ तीना जरूरी दिखाना, इसका बहुत जबरदस्त, बिना खुले नहीं दिखेगा ये। देखो सदर भाग रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलो जैद भाई कोना पकड़ लिए, तुम जवान बच्चे यार जैद भाई, मैं यहाँ आ जाऊँ क्या? हाँ वहाँ आ जाओ। ये मैं जो है ना, ये बिल्डर जो है ना। लालू भाई आपके अंदाज से इसका क्या वजन होगा? ये मेरे हिसाब से आसिम भाई 115 किलो पला खाएगा। सही में यार, मतलब उससे भी ऊपर मेरे को तो लग रहा आ जाएगा, आएगा 115 किलो आराम से। रमजान में मैं तोला इसको 112 किलो तोला। और ये ना जब मेरे हिसाब से अभी और बना है बच्चा, 120 किलो आसिम भाई आएगा। हाँ ये बोले ना, बच्चा भी और बना हुआ है, क्योंकि इसके इतने आएगा इंशाल्लाह। और सेल्फ फीडिंग पे पक रहा है आसिम भाई, इसमें मिजाब की बेहिसाब मेहनत है, वो आदमी की मेहनत है, वो दिख के आ रही है आज। देखो किसके नाम की है जो है, अल्लाह कुर्बानी देखो, इसके जगह देखो कितनी है, जगह बहुत है वो, ठीक है लेकिन ये साल कुर्बानी कर ले बेहतर है, वो भी गरम बहुत है बच्चा। अरे बहुत गरम मिजाब भाई, इसकी आवाज बता रही है इसकी गर्मी। हाँ, गरम बहुत है बच्चा। चलो अभी इसका रेट कैसा, फोन पे बताएंगे इसका रेट? अपन फोन पे बताएंगे, फोन पे बताएंगे। ज्यादा रहेगा? ज्यादा नहीं रहेगा, जो पब्लिक जो 120 किलो के कोटे के लोगों की कुर्बानी कराओ, नहीं नहीं जो 120 किलो के कोटे का सेल्फ फीडिंग का जो पब्लिक पैसा मांग रही है जी, अपन उतना नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ता है। अरे ठीक है ठीक है, यानी जो रिजनेबल प्राइस है वही प्राइस पे देंगे अपन, हक का पैसा आसिम भाई, एकदम हक का पैसा लेंगे अपन। मैं आप लालू सेठ भी मतलब माशाल्लाह अपने जिम्मेदार आदमी है, और वकील भाई तो है ही सदर, मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को आप लोगों को बहुत प्रमोट करना चाहिए। लोग आज भोपाल जाते हैं, लोग आज हनुमानगढ़ जा रहे हैं, आपके यहाँ पर सितारा छुपा हुआ है मिजाब नाम का, आप लोगों तो इसको बहुत प्रमोट करना चाहिए। नहीं तो बताना चाहिए ना, यहाँ बकरे पलवाओ, ऐसे बकरे चाहिए तो पलवाओ मिजाब भाई। वाह, पालने में आसिम भाई इससे नया बकरा भी इसका खड़ा है अगले साल के लिए, शो करते है नहीं करते है, बात की बात है। नहीं वो एक झलक दिखा देंगे अगले साल का, तो बाद में शो करेंगे। नहीं एक झलक दिखा दो ना अपने को, फर्क और काफी लोग वो कोटा के भी पीछे पड़े हुए। अच्छा इसका नाम बताएंगे? इसका नाम हैमर है, हैमर बहुत ठोकता है ना ये। छोड़ के दिखा सकते हैं आप? कोई नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचोगे। लालू भाई छोड़ के दिखाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई बचेगा नहीं। अरे बहुत, एक्चुअली इसके अंदर ताकत बहुत है, ये मेरे हम लोग दो लोग को घसीट के लेके जाने की ताकत रखता है। चलो जान दो, लोग समझ गए होंगे ना, इतना काफी है मेरे को लग रहा है। अरे इतना देख लेंगे पब्लिक, जो लेने वाला कस्टमर है ना इंशाल्लाह वो आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हमको तो कल एक ग्राहक मिले थे देवना में, मैं उनका नाम भी लिया उमर भाई का, और भी ऐसे लोग ढूंढ रहे ऐसे बकरे। जल जल मिजाब तो देखो आसिम, मैं मयार का बकरा मयार के हिसाब से, तो मैं हमेशा बोलता हूँ धन का धन बिकता है। सही है, किसी के कुछ बोलने से कि मैं सस्ता दे रहा हूँ, ये कोटा 50,000 के कोटे भूल जाओ, तो ये किसी की बात से कुछ नहीं होता आसिम भाई। सही है, धन का धन बिकता है, धन का धन बिकता है, ये मैं आज नहीं बोल रहा आसिम भाई, मैं सालों से ये चीज बोलता हूँ, मेरी पिछली वीडियोस भी देख लोगे, माल कीमत माल बिकता है आसिम। सही है, इंशाल्लाह लेवाल जो है ना आसिम भाई, वीडियो वीडियो पसंद है, वीडियो आते हैं पैसा लोग लेके लेते हैं आसिम। सही है, माशाल्लाह लेके जाओ, पालो एक साल या कुर्बानी करो आपकी मर्जी। मिजाब भाई आपका नंबर दे दो,
7208762677 मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं तो चाहता था इसको छोड़ के दिखाया था पॉसिबल। अभी आपको एक चीज और दिखाऊंगा, एक झलक और दिखा दो। और लालू भाई, अरे क्या हो रहा है लालू भाई? अरे नहीं, वो जरा तो घुमा देगा, काम हो जाएगा। मेंढे क्या सीधा सीधा मारते हो उस्ताद? मेंढा बच्चे कोई 16 साल के, कोई 12 साल के, कोई 11 साल के है। देखो अभी हरकत कर रहा हूं मैं उसको, बाजू कौन सुन है मां जी उठा बोलू। सेल्फ फीडिंग पे ये हाल है, भराई पे इसका आलम क्या होगा? भराई पे तो इसको कोई तोड़ नहीं रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई भर देगा। ये बकरा कैसे दिखाना है आप आके बताओ। ये समझ लो 12 बजे रात की वीडियो बन रही है, हो सकता है वीडियो में उतना लाइट ना समझ में आवे। जी जानवर सिर्फ चेहरा दिखाना है। हाँ, सिर्फ चेहरा हल्का सा दिखा देता हूँ। ये बकरा है, ठीक है, ये अब नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए अभी दो दांत पे 85 केजी पे खड़ा है। बस मैं सिर्फ इतना ही चेहरा दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोग खुद समझ जाएंगे। इसका बकरा दिखाना चाह रहे हैं मिजाब भाई, बहुत बड़ा बकरा है। मिजाब भाई ऐसे दो बकरे थे ना आपके पास? दो बकरे थे जो आपने वीडियो बनाए थे, एक जो अपने रहमान मिस्त्री लेके गए थे, रहमान भाई, छोटा रहमान भाई, और एक ये वाला था। सही, बहुत नायाब, बहुत बड़ी लेंथ, बहुत बड़ी लेंथ का बकरा है और बहुत तैयार है, बहुत ताकतवर। तो ये बेचना है आपको? नहीं नहीं, ये अपने घर की कुर्बानी के लिए रखे हैं। ये देखो, ये होता है शौक, ऐसी चीज कुर्बानी को रखे। ये 125 किलो पे, सेल्फ फीडिंग पे 125 किलो बोर। ये इस पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जी, 3 महीना है ना अपना बकरा बैठ गया था, बराबर बैठ गया था, बैठ गया था। एक्चुअली उसका है ना खोर है ना चूहा खा गया था ना, तो इन्फेक्शन हो गया था दोनों पैर में। फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारे? नहीं हारे, हमारे उस्ताद बिलाल भाई और हम कभी हार नहीं मानते। बिलाल भाई साइंटिस्ट, माशाल्लाह। चलो आज 150 किलो पे खड़े रहता, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का बकरा है वो खड़ा रहेगा, है ना? है अल्हम्दुलिल्लाह है। चलिए आपका एक बार नंबर बोलिए, 7208762677। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम।